नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल। करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक अहम जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर आप लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने किसी भी मरीज को दिखाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, पहले क्या था, पहले आप लाइन में लगते थे, आपका एक पर्चा बन जाता था, उस पर्चे के सहारे से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाते थे, अपने मरीज को आसानी से डॉक्टर को दिखा पाते थे। लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। अब आप आसानी के साथ डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मुझे लखनऊ मेडिकल कॉलेज किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। वहां मैंने देखा बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, उसके बावजूद भी वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर आप खुद को या अपने किसी भी मरीज को डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, अपने पेशेंट को दिखा पाएंगे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन पर आकर किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और टाइप करें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वैसा ही सेम टाइप करने के बाद अब आप इसे सर्च कर लें। सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है, ors.gov.in। सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों, ये वही वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस ऐड को हम यहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन शो होते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है अपने मरीज के लिए या खुद के लिए, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नाउ जो ये लिखा हुआ है, अपने को इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ से आपको अपना स्टेट यानी अपना राज्य सेलेक्ट करना है। जिस राज्य में भी आप दिखाना चाहते हैं वो राज्य आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश, ये है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सेलेक्ट हॉस्पिटल, यहां पर बहुत सारे हॉस्पिटल की लिस्ट शो हो रही है। जैसे आप देख पाते हैं जो आपने राज्य सेलेक्ट किया है उन राज्य के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है उनकी पूरी लिस्ट यहां पर शो हो रही है। जिस भी हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहें, अपॉइंटमेंट लेना चाहें, ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे आप मेडिकल कॉलेज या फिर आप KGMU के नाम से भी जानते हैं, इसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना सीखते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करते हैं अब हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है। यहां देखिए लिखा है अपॉइंटमेंट, अपने को इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं हमें न्यू अपॉइंटमेंट बुक करना है। दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, फॉलो अप अपॉइंटमेंट और न्यू अपॉइंटमेंट। तो हम नया अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं इसलिए न्यू अपॉइंटमेंट हमको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों कुछ नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहां लिखा है न्यू अपॉइंटमेंट, आप इस पेज से बुक कर सकते हैं। यहां पर वेरीफाई योर सेल्फ यूजिंग मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं चालू हो उसके यहां पर आपको नंबर एंटर करना होगा। तो मोबाइल नंबर आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा, कैप्चर कोड एंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। चलिए मोबाइल नंबर एंटर कर चुके, कैप्चर कोड एंटर कर चुके, अब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो हमने मोबाइल नंबर दिया है, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP को हमें इस बॉक्स में फिल करना है। तो ये देखिए यहां पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, OTP आ चुका है। OTP को हम यहाँ फिल करके प्रोसेड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसेड पर क्लिक करेंगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। दोस्तों दो ऑप्शन में आपको यहाँ समझना है, आई हैव आधार, जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है, और दूसरा वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आई डोंट हैव आधार, आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो आई हैव आधार पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास अभी तक आधार कार्ड आपका नहीं बना या जिस मरीज को आप दिखाना चाहते
कहते हैं उनका आधार कार्ड नहीं बना किसी कारण से, तो आई डोंट हैव आधार पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर हम आई हैव आधार पर क्लिक कर, यहां पर देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहां पर स्टेट आपका सिलेक्ट है और जो हॉस्पिटल आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट है। यहां आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, कौन से डॉक्टर को आपको दिखाना है, कौन से डिपार्टमेंट में दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहां पर ऑप्शन बना हुआ है सिलेक्ट डिपार्टमेंट, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहां पर पूरी लिस्ट निकल के आती है, आप कहां दिखाना चाहते हैं, कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, न्यूरो सर्जरी में दिखाना चाहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट दिखाना चाहते हैं, पीडियाट्रिक दिखाना चाहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी है, यहां पर सर्जिकल गायनेकोलॉजिस्ट है, सर्जिकली, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं जिस डिपार्टमेंट में आप दिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार का रोग है, जिस प्रकार की आपको परेशानी है, उस डिपार्टमेंट में आप यहां पर दिखा सकते हैं। तो यहां पर पूरी लिस्ट निकल के आ रही है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम यहां पर मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे, चलिए मेडिसिन को सिलेक्ट किया, अब क्या करना है, प्रोसेड पर क्लिक करना है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने प्रोसेड पर क्लिक कर दिया। दोस्तों प्रोसेड पर क्लिक करते हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जैसे हम आपको यहां पर दिखाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहां पर दोस्तों आपको कुछ समझना होगा, देखिए यहां पर जो ग्रीन कलर की पट्टी में दिखाई दे रहा है वो अवेलेबल दिखा रहा है, यहां जो अवेलेबल दिखा रहा है तो उस डेट में यहां पर आपको अवेलेबल है, मतलब इतने लोग इतने मरीज दिखा सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 16 तारीख में हम देखते हैं तो अवेलेबल 22, यानी 22 लोग दिखा सकते हैं, अवेलेबल इसमें दिखा सकते हैं। यहां पर देखते हैं 17 तारीख में अवेलेबल 62, यहां पर 18 तारीख में देखते हैं तो अवेलेबल 270, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो ग्रीन रंग की पट्टी में दिखाई दे रहा है वो समय आप बुक कर सकते हैं, उस डेट में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यहां पर जो पीले कलर की पट्टी में दिखाई दे रहा है वो हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन है। तो यहां पर ग्रीन कलर की पट्टी में आप देख सकते हैं, चलिए यहां पर हम कोई भी डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए और प्रोसेड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसेड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब बहुत ही आसान है जिससे आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहां पर आधार नंबर, हमने देखिए उस पेज पर सिलेक्ट किया था कि हमारे पास आधार है, तो यहां पर आपको आधार नंबर एंटर करना है या आपको वह वर्चुअल आईडी है वो भी आप एंटर कर सकते हैं। आपको कैप्चर कोड एंटर करना है, यहां पर आधार नंबर चलिए हम एंटर कर लेते हैं। नंबर एंटर कर चुके, अब हम कैप्चर कोड एंटर करेंगे। यहां पर कैप्चर कोड एंटर कर चुके और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक मार्क लगाना है, यानी कंसल्ट देना है आपको। चलिए हमने टिक मार्क लगा लिया, अब हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। चलिए अब हम सबमिट पर क्लिक कर चुके हैं। तो यहां पर जो हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एक ओटीपी आएगा, हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करना है। यहां पर हमें कैप्चर कोड एंटर करना है और प्रोसेड पर क्लिक कर देना है। चलिए हम फटाफट फिल कर चुके हैं, अब हम करेंगे प्रोसेड पर क्लिक। दोस्तों जैसे ही प्रोसेड पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने यहां पर हमने हॉस्पिटल सिलेक्ट किया था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, अपॉइंटमेंट डेट हमने 31/8/2021 सिलेक्ट की थी। तो बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा, यानी आपको यहां पर बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन स्टेटस, आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, जिस डेट में जिस डिपार्टमेंट में आप बुक करना चाहते थे, जिस हॉस्पिटल में आप दिखाना चाहते थे वो बुक हो चुका है। जैसे आप देखेंगे यहां पर डिपार्टमेंट मेडिसिन, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन फिक्स्ड 31/8/2021, आपको ये UHID नंबर मिल चुका है जिसे आपको स्क्रीनशॉट इसका ले भी लेना होगा, और योर एप्लीकेशन आईडी यहां पर लिखा है, सॉरी योर अपॉइंटमेंट आईडी यहां पर शो कर रही है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे, आप इसकी प्रिंट रिसिप्ट आप ले लेंगे, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो लिखा है प्रिंट रिसिप्ट, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रिंट रिसिप्ट पर हमने क्लिक किया, जैसे ही प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक किया ये जो प्रिंट रिसिप्ट हमारे सामने आ गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की स्लिप आप जनरेट करते हैं उस स्लिप का आपको एक प्रिंट आउट निकलवाना है। देखिए कुछ इस तरीके का आप प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर आपने COVID-19 की वैक्सीनेशन कंप्लीट करा ली है, दोनों वैक्सीन आपने लगवा ली है, तो आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ये सर्टिफिकेट है, आप चाहे तो साइबर कैफे से भी निकलवा सकते हैं। दोस्तों ये दोनों कागज लेकर आपको जिस दिन का आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उस दिन आपको वहां पर जाकर लाइन में लग जाना है। वहां पर कुछ इस तरीके का आपका एक पर्चा बनेगा जिसके आपके ₹50 आपको लगेंगे, ये देखिए ये तीसरा पर्चा वहां बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने COVID-19 की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तब आपको क्या करना है, अगर आपने COVID-19 की वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो दोस्तों वहां पर आपको कोविड की जांच करानी पड़ेगी और उसकी निगेटिव रिपोर्ट के साथ
आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोविड 19 की रिपोर्ट नहीं ले जाते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा है तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कोविड 19 की रिपोर्ट 3 दिन से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर जैसे हमने 31 तारीख का अपॉइंटमेंट लिया है तो आप 29 तारीख को जाइए, कहीं भी जाँच करा लीजिए। चाहे तो आप मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क होती है, या आप बाहर भी कहीं भी जाँच करा सकते हैं। 3 दिन की निगेटिव रिपोर्ट के साथ आप डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके लिए फिर को नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।